चैप्टर टू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन एंड यूजेस पार्ट 13। बिफोर गोइंग अहेड ऑफ पार्ट 13 प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड प्रीवियस पार्ट्स। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका केसेस से मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो हम शुरू करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 इसकी प्रिपरेशन क्या है, कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी पर्पज़ से और इसके यूजेस क्या हैं, बस दो चीज़ें हमें जाननी हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली एक होता क्या है कि जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हम सिलेक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिलेक्ट लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिलेक्ट लाइम पर जब हम क्लोरीन का एक्शन करते हैं, मीन्स क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन गैस जो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें बनाई थी, किससे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन से। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी है, उसमें हमने बताया था कि क्लोरीन हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। तो वहाँ से हमने क्लोरीन ले ली और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हम सिलेक्ट लाइम है इसके साथ दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है कैल्शियम CaOCl2, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना, अलॉन्ग विद वाटर, इसके साथ एक चीज़ और बनती है, दैट इज़ वाटर। तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और वाटर दोनों इस प्रक्रिया से बनते हैं। बस में तो हमने क्या किया कि सिर्फ सिलेक्ट लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई है। किसकी? सिलेक्ट लाइम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर दोनों चीज़ें बनती हैं। बस समझ में आ गई। और मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद जस्ट हमें पढ़ने यूजेस, तो बनाना कोई ज़्यादा खास डिफिकल्ट नहीं है। हम बात करते हैं यूजेस कि इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो यूजेस में सबसे पहला, ये ब्लीच करने के काम आता है, जैसे उसका नाम है ब्लीचिंग, मीन्स ब्लीच करने के काम आता है। अब ब्लीच होता कहाँ कहाँ है, बस हमें ये जानना है। बस समझ में आ गई। तो सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। अब टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें हमारे पास जो कॉटन और लिनन है, कॉटन और लिनन, तो कॉटन और लिनन को, कॉटन एंड लिनन को हम करते हैं ब्लीच। ब्लीच मीन्स उसको साफ करते हैं बहुत ही, जैसे हमने देखा वो अक्सर कॉटन जो मार्केट में आती है एकदम प्योर वाइट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से ब्लीच होने के बाद आई है। बस समझ में, ऐसे लिनन होता है, तो दोनों को हम ब्लीच करते हैं। दूसरा इसका यूज़ होता है पेपर इंडस्ट्रीज़ में। किसमें? पेपर इंडस्ट्रीज़ में। अब पेपर इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, जो हमारे पास वुड पल्प है, वुड पल्प जानते हैं, लकड़ी की बहुत ही पतली सी जो पल्प निकाली जाती है, बहुत ही पतला सा कह सकते हैं परत निकाली जाती है, मीन्स लेयर निकाली जाती है, उस लेयर को हम करते हैं ब्लीच। ब्लीच मीन्स साफ करते हैं, और उसकी वजह शायद आपने देखा होगा हमारे पास जो पेपर आते हैं ना एक से एक अच्छी क्वालिटी का आता है। क्या हमारा पेड़ इतना ही सफ़ेद होता है? नहीं, पेड़ का जो स्टेम है जहाँ से हम पेपर निकालते हैं वो स्टेम हमारा इतना सफ़ेद नहीं होता, लेकिन ब्लीच करने के बाद, ब्लीचिंग पाउडर से हम उसे ब्लीच करते हैं तो प्योर वाइट हो जाता है। बस समझ में आई। तो इसलिए हम कहते हैं पेपर इंडस्ट्रीज में वुड पल्प को ब्लीच करने के काम ये यूज़ होता है। बस समझ में आई, वुड पल्प को ब्लीच करने का काम होता है। दूसरा होता है लॉन्ड्री में। किस में होता है? लॉन्ड्री। ठीक, अब लॉन्ड्री में क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं जिनको हम धुल चुके होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, वॉश्ड क्लॉथ, जो कपड़े धुल चुके हैं और वॉश्ड क्लॉथ्स की चमक चली जाती है, वॉश्ड क्लॉथ की चमक चली जाती है, तो हम वॉश्ड क्लॉथ को भी ब्लीच कर लेते हैं। ठीक है, जो वॉश्ड क्लॉथ को हम ब्लीच करते हैं तो वो भी अपनी चमक अच्छे से वापस आ जाती है। इसलिए मतलब हो गया इसका तीन जगह यूज़ हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ब्लीच करने का काम आता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में ब्लीच करने का काम आता है, तीसरा लॉन्ड्री में वो ब्लीच करने के काम आता है। चौथा, ये बहुत अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि वो CaOCl2 क्या करता है, ब्रेक हो जाता है CaCl2 प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बस समझ में आ गई। तो नेसेंट ऑक्सीजन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से हम कहते हैं कि CaCl2 जो दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर, ये भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बहुत सारी केमिकल लैब्स में या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज में, केमिकल लैब्स या केमिकल इंडस्ट्रीज में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। बस में तो एज
अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवा यूज, बात क्लियर होगी। एक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर होने की वजह से इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रीटमेंट भी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर जो जम्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे जम्स होते हैं उन जम्स को किल करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बस समझ में आ गई, तो मिल सकते हैं इसे डिसइंफेक्टिंग वाटर के रूप में, डिसइंफेक्टिंग वाटर, ठीक है, बाई किलिंग जम्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पांच यूजेज आपको लिख दिए हैं, आप दो या तीन याद कर लीजिए, क्योंकि इतने ही बोर्ड की एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। तो सबसे अच्छा यूज़ क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होगी आपके सामने, पेपर इंडस्ट्रीज होगी आपके सामने, और लॉन्ड्री में, ठीक है, तीनों जगह आपका ब्लीच होता है। ठीक है, तीसरा आपके पास, सॉरी चौथा जो आया वो क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, और एक होता है डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए, क्योंकि वो क्या करता है जम्स को किल करके वो क्या करता है वाटर को एकदम प्योरीफाई कर देता है। तो ये थे ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन और यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।